Village, village, village. I don't like it. I avoid. But village like. ओ बस कर, क्या डायलॉग बाजी कर रहा है? वीडियो स्टार्ट करनी नहीं है, डायलॉग बाजी करवा लो इनसे। चल जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर। गजब बेइज्जती है। तो आज मैं आया हूँ एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर मुझे हर जगह विलेज ही विलेज मिलने वाले हैं। हर एक बायो में मुझे यहाँ पर सिर्फ विलेज ही विलेज देखेंगे। जहाँ पर मेरा टारगेट है 100 डेज सर्वाइव करना इसी विलेज ओनली वर्ल्ड में, वो भी हार्डकोर मोड में। तुम्हें तो पता ही है हार्डकोर में तो मस्त वाले मजे आते हैं। जहाँ पर मुझे इन 100 डेज में अपने आप को फुल्ली नेदरराइट में कवर करना है और एंडर ड्रैगन और वीदर दोनों को निपटाना है। पता नहीं ऐसा मैं कर पाऊंगा कि नहीं, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ गाइस यार, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम लोग सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हो यार, लाइक ही नहीं कर रहे। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब तो तुम यार करते ही नहीं हो, जब भी तो 5 लाख नहीं हो रहे। कर दो यार सब्सक्राइब, मार दो एक छोटा सा मुक्का। तो सब्सक्राइब वगैरह करने के बाद अब सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 को स्पॉन होते ही मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ सिर्फ विलेज ही विलेज थे। हर जगह मुझे सिर्फ घर ही घर नजर आ रहे थे और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस साइड जाऊं। मैंने कि छोड़ो, सबसे पहले लकड़ियां जमा करते हैं। लेकिन जब तक मैं लकड़ियां जमा करता मुझे कुछ मजेदार चीज दिखाई देगी। सबसे पहले हीरे जवाहरात लूट लिए जाए। तो उसके बाद मैं हीरे लूटने के लिए सीधा वेपन स्मिथ के घर में अंदर घुस गया। लेकिन अंदर घुसते ही हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा स्कैम कर दिया आज तो। छोड़ो यार क्या हो गया, ये सब चीजें तो हमारे साथ होती रहती हैं। छोड़ो अपना बेसिक काम करते हैं। तो उसके बाद मैंने लकड़ियां जमा करके अपने लिए कुछ टूल्स बनाए और फटाफट से जाके अपने अंकल जी के घर से बहुत सारा खाना चुरा लिया। आज तो इनकी कोई कमी नहीं होने वाली। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक और सुनार की दुकान मिली। हाँ आज से हम इसे सुनार की दुकान ही बुलाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 डायमंड, आयरन, आयरन की चेस्ट प्लेट, आयरन का हेलमेट। क्या बात है भाई, मजा ही आ गया आज तो। ओ मुझे कैसे भूल गया तू? अरे हाँ हाँ, थोड़े से सेब भी मिले थे और मैं भी मिला था। हाँ हाँ ठीक है ना। जिसे मैंने अपने लिए डायमंड की पिकेक्स बना ली और एक अपने लिए आयरन के जूते बना लिए। और अब ऑलमोस्ट हमारा आयरन का आर्मर तो कंप्लीट हो चुका था, बस पेंट की कमी है, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। और मेरे दोस्तों तुम्हें तो पता ही यार, आयरन को माइन करके और चुरा के मजा नहीं आता। आयरन का असली मजा तो इन भाई साहब से लेने में आता है। अरे नहीं 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 आता नहीं आता, मैं जा रहा हूँ, मुझे लेने ही नहीं है भाई, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ याद आया, मैं कह रहा था कि आयरन का असली मजा तो माइन करके ही है। और सेंड की बारिश कराने में तो अलग ही मजे आते हैं। क्या कर लिया मैंने ये करके। तो उसके बाद मैं खाना चुराते हुए सीधा आगे बढ़ गया और चोरियां करते करते मैं इस डेजर्ट को पार करके प्लेन वाली बायो में पहुंचा, जहाँ के घर यहाँ के मिस्त्री सही में बहुत खराब हैं। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे थोड़े बहुत एमराल्ड्स मिल चुके थे, जिनको भी मैंने फटाफट से अपनी जेब में भर लिया। और घरों से तो हमें कुछ अच्छा सामान मिल जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और भटकते भटकते और थोड़ी बहुत चोरियां करते करते यहाँ पर पहला दिन बीत चुका था। तो उसके बाद मैं अपना खुद का घर बना के सीधा सोने चला गया। आज मैंने सबसे बढ़िया घर बनाया था जो कि सुबह होते ही मैंने तोड़ दिया। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक और वेपन स्मिथ का घर मिला। अरे नहीं, वेपन स्मिथ का नहीं है हमारे, नहीं ये वेपन स्मिथ का ही घर है, जिसमें से मुझे सिर्फ एक हेलमेट ही मिला, बाकी तो सब कूड़ा कवाड़ा ही था। और घूम फिर के मैं दोबारा से डेजर्ट वाली बायो में आ गया था। और ऐसी चीजें तो मैं करता रहता हूँ, कोई शक। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया माइनिंग के लिए, जहाँ से मैंने काफी सारा कोल और आयरन माइन किया। और जब मैं थका हार के काफी देर माइनिंग करने के बाद जब मैं बाहर आया तो मुझे एक यहाँ पर एक प्लेन जगह मिल गई थी। तो ये जगह मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, अपना घर यहीं बनाएंगे। अगर ये प्लेन जगह नहीं मिलती ना, खामखाम मुझे एरिया प्लेन करने के लिए अंकल जी के घर तोड़ने पड़ते, बच गए वो। और उसके बाद मैंने फर्नेस बना के अपने आयरन को स्मेल्ट होने रखा और सीधा निकल गया थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत खाना जमा करने के लिए। कि तभी मुझे यहाँ पर एक और अंबानी जी का घर मिल गया। आज तो नए नए नाम याद आ रहे हैं, जिनके घर में से मुझे ये भी बढ़िया सामान है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आयरन, आयरन की एक स्वाड और थोड़े बहुत ऑब्सीडियन मिल चुके थे। और मैं भी था, हाँ थोड़ा बहुत गोल्ड भी मिला था। परेशान कर देते हैं यार ये सस्ती चीजें, माल पानी तो अच्छा मिल ही रहा है। एक काम करते हैं, थोड़े बहुत और घर ढूंढते हैं, और माल पानी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे यहाँ पर एक और घर मिला, जिसमें से मुझे ठीक ठाक सा सामान फिर से मिल गया। डायमंड क्यों नहीं मिल रहे यार? तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 10 ऑब्सीडियन तो हो चुके थे। चलो नेदर का काम भी आसान हो ही गया अब। और लूटपाट मचाने नहीं, थोड़ी बहुत चोरी, थोड़ा बहुत सामान जमा करने के चक्कर में मैं अपने घर का रास्ता ही भूल गया। शाबाश बेटा,
अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपने आयरन कहाँ स्मेल्ट होने रखे हैं। ऑप्शनल लेने के चक्कर में अपने पुराने आयरन का नुकसान हो गया। हर जगह मुझे सिर्फ एक घर ही घर नजर आ रहे थे, हो गया लो नुकसान। छोड़ो यार, किस्मत ही खराब है। लो MLG भी न्यू। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे स्केलेटन तू कहाँ से आ गया भाई? बहुत कम हेल्थ है मेरी। ओ जाने, ओ भाई दो हार्ट हैं, भागने दे मुझे। क्या यार मुझे लड़ना ही नहीं यार, तुम्हें पता है मैं नहीं लड़ता यार, मैं जा रहा हूँ सोने। हाँ ये घर बढ़िया, इसी में सोएंगे आज हम। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर तक अपने पुरानी जगह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर जगह तो मिल नहीं रही थी। पर ये अच्छी बात थी कि माल पानी वाला घर मुझे मिले जा रहा था, जिसमें से मुझे हमेशा ऑब्सिडियन ही मिलेंगे। क्या अब डायमंड भी दे दिया क्या यार कभी? और ये चेस्ट प्लेट ऑलरेडी एक पहन रखी है, फिर भी तीन तीन भर ली जेब में। लो एक और मिल गया, लेकिन डायमंड फिर भी नहीं मिले। देख रहे हो, छह छह चेस्ट प्लेट लेके घूम रहा हूँ, किसी को चाहिए तो बताना। और बगल में मुझे यहाँ पर एक और मिल गया, हाँ वही अंबानी जी का घर। इसमें से तो पक्का यार डायमंड मुझे मिलने ही है, नहीं मिलने हैं मुझे पता यार, नहीं मिलेंगे मुझे। चलो पेंट तो मिलेगी, तो फाइनली काफी ज्यादा मेहनत। क्या मतलब मैंने चोरियां की हैं? नहीं नहीं चोरियां नहीं की यार, तुम्हें तो पता ही है मैंने आयरन माइन किया था ढेर सारा। अब वो खो गया तो मेरी गलती थोड़ी ना है, ये भी मेरी गलती है। और उसके बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया। A few moments later. और आज तो मजे ही आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही घर मिल रहे हैं। इसमें तो पक्का डायमंड नहीं होंगे मुझे पता है। Nope. कितने आयरन की चेस्ट प्लेट मिलेंगी यार, खत्म ही नहीं हो रही। और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद मैं सीधा सोने चला गया। और हाँ गाइस यार, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहाँ पर मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, और कभी कभी तो अपनी फोटो भी डालता रहता हूँ। जिसको देखनी है फटाफट से आके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दे रखा है, फटाफट से आके फॉलो कर लो। और सुबह उठकर मैंने अपने लिए एक एक्स बनाई और ढेर सारी वुड जमा की, और निकला तो मैं डायमंड की खोज में हूँ, पर मिल मुझे हमेशा ये आयरन की चीजें दी हैं। चलो थोड़ी बहुत मार पिटाई भी कर लेते हैं। अरे इतनी देर से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, मैंने देखा ही नहीं, ये डेजर्ट टेम्पल है। ये सारे घर एक जैसे लग रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चला ये डेजर्ट टेम्पल है। चलो यहाँ पर तो डायमंड मिल ही जाएंगे, देखते हैं क्या पता ना भी मिले, किस्मत तो खराब ही चल रही है आजकल। और डेजर्ट टेम्पल में धूम धड़ाका ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, देख रहे हो दो दो बार धूम धड़ाका करना पड़ता है। और यहाँ से मुझे एकदम 100% उम्मीद थी कि यहाँ से तो डायमंड मुझे मिलेंगे ही, पर मुझे मिला क्या? ओ भाई इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, मैं तो डायमंड ढूंढने आया था। सही है यार, डायमंड के बदले इंचेंटेड गोल्डन एप्पल दे रहे हो, बढ़िया यार ये भी सही है। यहाँ इसमें तो यार सारा गोल्ड और आयरन है, चलो इसको भी ले लेते हैं। इसमें भी गोल्ड ही है और थोड़ा बहुत हड्डियां, ये तो हमें चाहिए नहीं। ओ भाई एक और इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, भाई सीरियसली भाई ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, एक डेजर्ट टेम्पल में से दो दो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। अब इसी बात पे नाचना तो बनता है, क्या बेकार डांस करता है, चल बाहर चल। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे यहाँ पर, हाँ मुझे पता है यहाँ से मुझे आयरन की चीजें मिलेंगी। डायमंड कभी मिलता नहीं, नहीं कभी कभार मिल जाता है यार, जब सोचता हूँ डायमंड मिलेगा, जब डायमंड मिलता नहीं है, जब आयरन सोचता हूँ तब डायमंड मिल जाता है। क्या बात है, यहाँ से भी तीन डायमंड मिल गए, हाँ एक्स बना लेंगे अपने लिए। और यहाँ पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मुझे खुद नहीं पता, कि मैंने घर के बाहर ही नेदर पोर्टल बना दिया। और पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील तो था नहीं, कोई बात नहीं जमा कर लेंगे। और उसके बाद मैंने ग्रेवल पे मुक्का मार मार के उसे फ्लिंट निकाल ली, जिससे मैंने फ्लिंट एंड स्टील बनाई और अपने लिए गोल्डन बूट्स बनाकर सीधा निकल गया नेदर के लिए। और नेदर में आते ही मुझे यहाँ पर वेब फॉरेस्ट, अरे नहीं ब्लू वाली बायोम मिली, हाँ ब्लू वाली बायोम अच्छा रहता है। और आसपास तो मुझे कहीं फोर्ट्रेस नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर कहीं हो सकती है। अरे नहीं यार ये लावा क्यों पीछे आ जाता है, अरे दूर रह मेरे से भाई, दूर रह यार, तुझे पता है यार लावा से मुझे एलर्जी है। पोर्टल के पास मुझे नेदर फोर्ट्रेस तो मिली नहीं, लेकिन ये बेसिन जरूर मिल गया, जो कि हमारे नेदर पोर्टल के बहुत ही ज्यादा पास था। तो अब ये मिला है तो इसको भी लूट ही लेते हैं, नहीं लूट नहीं लेते यार, इसमें से ना थोड़ा सा सामान जमा कर लेते हैं। हाँ तुम्हें तो पता है यार माइनक्राफ्ट में चोरियां वोरियां मैं करता नहीं, थोड़ा बहुत सामान जमा कर लेता हूँ बस। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक चेस्ट दिखाई दी, जिसमें से मुझे, ओए एक मिनट ये क्या है, ये क्या है, पिग स्टैम, माय रिएक्शन इज आल्सो सेम, आई थिंक। चलो एक बार फिर नाच लेते हैं, बंद करो हाथ। और उसके बाद मैंने बेसन की कुछ चेस्टों को और लूटा, जिसमें से मुझे डायमंड की शवल, थोड़े बहुत एरोज और थोड़ा बहुत गोल्ड मिल चुका था। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक डायमंड की पिकेक्स भी मिली, जिसपे अनब्रेकिंग 3 लगी हुई थी। एफिशिएंसी वगैरह लगा देते यार, क्या ये अनब्रेकिंग लगा दी। और बेसन में आयो, मार पिटाई ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और काफी ज्यादा मार पिटाई करने के बाद मैंने यहाँ से काफी सारा सोना चुराया,
और इस वाली चेस्ट में से मुझे मजा ही आ गया। तो यहाँ से मेरी डायमंड की सारी कमियां पूरी हो चुकी थी, अरे सारी नहीं हुई, बस थोड़ी बहुत कमियां तो पूरी हो चुकी थी। तो यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत डायमंड का आर्मर तो मिल चुका था, हालांकि उस पे एन्चेंटमेंट ज्यादा कुछ खास नहीं थी, पर डायमंड का यही बहुत बड़ी बात है। तो चुपचाप से इनको भी जेब में भर ही लेते हैं, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत सामान जमा करके, हाँ ये कोई नहीं बोलेगा कि मैंने चोरियां की हैं, सामान जमा किया यार। तो उसके बाद मैं बैस इनको अच्छे से धो धा के सीधा अपने घर वापस आ गया। और ये डेजर्ट वाली बायोम अपना घर बनाने के लिए ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, मुझे ढूंढनी पड़ेगी एक प्लेन बायोम जो कि थोड़ी सी प्लेन हो। खाम खाम अपने अंकल जी के घर जलाने पड़ जाएंगे मुझे। और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक प्लेन एरिया तो मिल चुका था, और ये एरिया थोड़ा बहुत साफ भी था, तो यहाँ पर मैं अपना घर बना सकता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सामान जमा कर लेते हैं, यहाँ से तो पक्का डायमंड मुझे मिलेंगे ही। छोड़ो, किसी ने कुछ नहीं देखा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत एरिया प्लेन किया, और चेस्ट बना के अपना सारा सामान चेस्टों में भरा। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना, इतना डायमंड आ गया तो थोड़ा बहुत डायमंड और माइन कर लेते हैं। चुरा चुरा के तो मैं बहुत थक गया। अरे नहीं नहीं, चुराया थोड़ी था यार, वो जमा किया था, वो थोड़ा ना मैं जल्दबाजी में इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ जमा किया था मैंने। यहाँ पर एक केव भी है, एक काम करते हैं, यहीं से सीधा नीचे चलते हैं, और मुझे ना काफी सारा डायमंड माइन करना, तो एकदम संभल के रहना पड़ेगा। अरे स्केलेटन रुक जा यार, तू तो बहुत परेशान करता है। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं जा रहा हूँ भाई, तुमसे मैं नहीं लड़ता यार, या तुमसे लड़ाई में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है यार, सॉरी आई एम आउट, मैं जा रहा हूँ। और आया तो मैं डायमंड ढूंढने था, पर मिल मुझे माइनशाफ्ट की। कोई नहीं, इसको भी लूट लेते हैं। अरे नहीं नहीं, यहाँ से भी थोड़ा सा सामान जमा कर लेते हैं यार। लूट, कौन कह रहा है लूट लेते हैं, पिटेगा वो मेरे हाथों, कौन कह रहा था, नाम बता उसका। छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत गोल्ड भी मिल गया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत गोल्ड, नहीं रुको जरा, गोल्ड बाद में माइन करेंगे, पहले तुम्हें बता दूं मैं। हाँ अब जमा करते हैं गोल्ड। और देखा, मैं कह रहा था ना मैं डायमंड जमा करने जा रहा हूँ यार, ये माइन शाफ्ट गलती से आ गया डायमंड वाली जगह पे। तो यहाँ से मुझे सिर्फ 3 ही डायमंड मिले, जिनको मैंने चुपचाप से अपनी जेब में भर लिया, और आगे मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है। और यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत लैपिस वगैरह भी जमा कर लिया था, एन्चेंटमेंट के लिए काम आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे ये डांस वाले ब्लॉक भी मिले थे, हाँ यही गाना गाने वाले ब्लॉक, तो मैं सोचा था इनसे अपना घर बना लेंगे, तो इनको भी फटाफट जेब में भर लेते हैं। और चेस्टों में तो हमें हमेशा बढ़िया सामान ही मिलता है यार, बहुत बढ़िया सामान है, कौन कह रहा बेकार सामान है। ये देख रहे हो ये टॉर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये हमेशा कूड़ा पकड़ा देते हैं। यहाँ भी कुछ खास नहीं मिला, पर गोल्डन एप्पल है, ये अच्छी बात है। और थोड़ा बहुत सामान के साथ साथ एंडर भैया ने हमें एंडर पल भी दे दी। और उसके बाद मैं ढेर सारा गोल्ड और आयरन जमा करके सीधा अपने घर वापस आ गया। और घर आके मैंने फर्नेस बनाए और अपने गोल्ड और आयरन को स्मेल्ट होने रखा। और मेरा लक कितना अच्छा है ये टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नेदर पोर्टल बनाया। सोच रहा था कि फोर्ट्रेस के पास निकल जाएगा, पर इस बार तो और भी ज्यादा बेकार जगह पे निकला। छोड़ो, फोर्ट्रेस बाद में लूटेंगे, अभी फिलहाल घर चलते हैं। घर पे यार बहुत सारा काम है यार, अभी झाड़ू पोछा लगाने हैं। और जब मैं माइनशाफ्ट को अच्छे से लूट के घर वापस आया, तो मुझे याद आया कि मैं तो डायमंड माइनिंग करने गया था, और डायमंड तो मैंने माइन करे ही नहीं, क्या कर दिया यार मैंने। तो उसके बाद मैं निकल गया सीधा डायमंड माइनिंग के लिए, जहां से मैंने काफी सारा डायमंड माइन किया। और घर आके मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर और अपने लिए डायमंड के टूल्स बनाए, और अपने आप को फुल्ली डायमंड में कवर भी कर लिया। ये डायमंड का आर्मर तो बन गया, लेकिन बिना एन्चेंटमेंट के ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो अब बारी थी अपने डायमंड आर्मर पर एन्चेंटमेंट लगाने के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे काफी सारे ब्लेजर्स। अब इनके लिए घर बनाना पड़ेगा। तो फाइनली हमारे अंकल जी के लिए यहाँ पर घर तो बन चुका था, तो अब बारी थी अपने अंकल जी को इस घर में लेके आने की। लेकिन हमारे अंकल जी अपने आप अपने नए वाले घर में रहने आ गए, लेकिन थोड़ी गंदी हालत में थे, पता नहीं इनको किसने धो दिया। कोई नहीं, इनको मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, सुबह होते ही हमारे अंकल जी, हाँ भाई सूरज भैया उनको जला देंगे, तो अब इनके लिए छत भी बनानी पड़ेगी। मत आ यार चुटकू। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मार पिटाई कर लेते हैं। चलो इन सबको तो मैंने धो दिया, अब अपने घर की छत बनाते हैं।
और उसके बाद मैंने अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर्स को बोट में बिठा दिया, कहीं वो गायब ना हो जाएं। वैसे बोट में गायब होते हैं कि नहीं ये मुझे कंफर्म था नहीं, तो मैं सोच रहा था कि एक नेम टैग तो मुझे माइनक्राफ्ट से मिला ही था तो इनका नामकरण भी कर देंगे। और यहाँ पर मेरा आयरन और गोल्ड भी स्मेल्ट हो चुका था, जिससे मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक्स बना के अपने लिए एक एनविल बनाया और अपने अंकल जी का नाम ये रख दिया। बस एक अंकल जी तो हमारे गायब होंगे नहीं, बस दूसरे अंकल जी तुम भी गायब मत होना यार। और अपने अंकल जी को ठीक करने के लिए मुझे चाहिए था पोर्शन ऑफ वीकनेस, और गोल्डन एप्पल तो मेरे पास है ही, जिसके लिए मुझे ब्लेज रॉड और सुगर कैन काफी सारा सामान चाहिए था। तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत गोल्ड लेके ताकि मैं पिगलिन भैया से ट्रेड कर सकूं, और बाकी सारा इंपॉर्टेंट सामान लेके मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए। और अब मेरा टारगेट था कि अपने लिए एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढूं, लेकिन उससे पहले पिगलिन भैया से थोड़ी बहुत ट्रेड भी कर लेते हैं, थोड़े बहुत फायर रेजिस्टेंस के पोर्शंस भी तो चाहिए, अभी तो ब्लेजेस की अच्छे से कुटाई लगाऊंगा मैं। और अपना काफी सारा गोल्ड लुटाने के बाद मुझे यहाँ पर ढेर सारे फायर रेजिस्टेंस के पोर्शंस तो मिल चुके थे, बस एंटरपल नहीं दी यार, एंटरपल भी दे देते तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं फोर्ट्रेस की तलाश में सीधा आगे बढ़ गया। A few moments later. और ये मारी मैंने छलांग और ये आ गया मैं फोर्ट्रेस के अंदर, लेकिन सबसे पहले चेस्ट को लूटेंगे जिसमें से मुझे डायमंड, हाँ देखा मैं कह रहा था डायमंड मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, मिला है, सिर्फ एक ही डायमंड मिला है, पर ये नहीं कहा था एक ही मिलेगा। और आयरन, चलो ठीक है आयरन के बदले तुम मेरी स्वॉर्ड ले लो। और थोड़ा बहुत फोर्ट्रेस में घूमने के बाद मुझे यहाँ पर ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था, तो अब कुटाई चालू करते हैं। चलो यहाँ पे फाइनली काफी सारी ब्लेज रॉड तो जमा होगी, अब सीधा यहाँ से निकलते हैं। और हाँ मुझे ब्राउन मशरूम भी चाहिए तो यहाँ पर है, यहाँ से ब्राउन मशरूम भी ले लेते हैं। और काफी सारे ब्राउन मशरूम को कलेक्ट करके मैं सीधा अपने घर वापस आ गया। और ग्लास बोटल्स बनाने के लिए मुझे ग्लास चाहिए जो कि मिलेगा हमें सैंड से, और आसपास मुझे कहीं सैंड तो मिल नहीं रही थी, लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे पूरा डेजर्ट ही मिल गया, मैं तो थोड़ी बहुत सैंड ढूंढ रहा था। तो उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत सैंड जमा की, तो फाइनली हमारा वीकनेस का पोर्शन तो बन चुका था, जिसको मैंने अपने अंकल जी के मुंह पर दे मारा, अरे नहीं मारा नहीं, उनको पिलाया है अच्छे से, और थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल भी खिला दिए, थोड़े बहुत क्या एक एक ही खिलाया है। और जब तक मैं डॉक्टर बनता हूँ थोड़ा बहुत बाकी काम कर लेते हैं। और यहाँ पर एक ऐसी चीज हुई जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, यहाँ पर मैं डॉक्टर तो बन गया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि हुआ क्या, मुझे भाई समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या। बाद में मुझे ऐसा लगा कि कहीं इस ज़ॉम्बी वाले विलेजर ने उसको मार दिया हो, बोट में बैठे हुए मारते हैं नहीं मारते इसका तो मुझे नहीं पता भाई वो, लेकिन वो मर कैसे गया मुझे तो भाई कोई आइडिया नहीं है इसका। तो मैं सोचने लगा कि यार ठीक होने के बाद अपने आप मर गया, ऐसा तो यार हो नहीं सकता, तो अब वेट करते हैं दूसरा वाला जब तक ठीक ना हो। और जब ये दूसरे भाई सब ठीक हुए तो इन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे लगा कि शायद इसी ने उसको पहले मार दिया होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया पहले क्या हुआ था। तो मैं आया तो यार कमेंट्स में बताना कि क्या हुआ था यहाँ पे। और इन भाई साहब को मैं बनाने वाला था लाइब्रेरियन ताकि मैं इनसे प्रोटेक्शन की बुक ले सकूं, पर ये तो हमेशा कूड़े वाली बुक ही देंगे। और मेंडिंग दे रहे हैं, ठीक है मेंडिंग ले लेंगे, प्रोटेक्शन की बुक किसी और से ले लेंगे, जिसके लिए मुझे इनके दूसरे रिश्तेदार को पकड़ के लाना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे उनके रिश्तेदार मिल भी गए, बस ये शांति से घर पहुंच जाए। तो फाइनली मैं दूसरा विलेजर भी घर लेके आ गया था, और उसके बाद मैंने इनको थोड़ा बहुत ब्रेड खिला दिया ताकि मुझे जल्दी से कर लेना यार काम अपना, ब्रेड बहुत सारा खिलाया तुम्हें, क्वालिटी वाला खिलाया वो भी समझ रहे हो। लेकिन पता नहीं इन भाई साहब को क्या तकलीफ थी, नए वाला घर इनको शायद पसंद नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर जितने भी पास में घर थे उन सब के मैंने बेड और सारी जॉब्स तोड़ दी, फिर भी इनको नया घर पसंद नहीं आया, इनको तो नया घर पसंद नहीं आया, छोड़ो फिर मैं चला दूसरा विलेजर लाने। तो उसके बाद मैं एक और विलेजर पकड़ लाया, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 5 ही एमरल्स थे, जिससे मैंने एक मेंडिंग की बुक खरीद ली ताकि इसकी जो डील है बाद में चेंज ना हो जाए अगर मैं बाय चांस इसका जॉब तोड़ दूं तो, इसलिए मैंने यहाँ से एक मेंडिंग की बुक खरीद ली। और दूसरे वाले विलेजर से मैं चाह रहा था कि उसको भी मैं लाइब्रेरियन बना के प्रोटेक्शन की बुक ले लूं, आर्मर थोड़ा स्ट्रांग भी तो बनाना है, पता नहीं कब देगा ये प्रोटेक्शन की बुक, दे दे भाई प्रोटेक्शन की बुक चाहिए यार मुझे। 2000 years later. तो फाइनली काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारे अंकल जी ने हमें प्रोटेक्शन की बुक देनी चालू की, लेकिन ये बहुत महंगा दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये कुछ ज्यादा महंगी दे रहे थे, 24 की देनी चाहिए 36 की दे रहे हैं। मैं अरे नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं यार, मेरे को क्यों देख रहे, मैंने कुछ नहीं किया यार। चल झूठा।
और मैंने यहाँ पर एक और चीज नोटिस की, मैंने इनको बहुत सारा ब्रेड खिला दिया लेकिन ब्रेड का कुछ फायदा नहीं हुआ। पता नहीं आपस में क्या कर रहे थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने इनको थोड़ा बहुत ब्रेड और खिला दिया, थोड़ा बहुत क्या बहुत सारा ब्रेड खिला दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैंने सोचा शायद थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं, और वेट हमसे होता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक मैं एंडर ड्रैगन को पिलाऊं। तो उसके बाद मैं एंटरपल जमा करने के लिए सीधा निकल गया वेब्ड फॉरेस्ट की तरफ। अब थोड़ी बहुत एंटरपल जमा कर लेते हैं। और जब मैं एंटरपल जमा करके अपने घर वापस आया तो चाहिए तो मुझे काफी सारे विलेजर्स थे, लेकिन कोई और ही गया। और भाई देख रहे हो कितने सारे ज़ॉम्बी हैं, भाई पीछे जाओ यार, मुझे तुमसे लड़ना ही नहीं है। और गोलम मारना यार इन्हें, तेरे को किस लिए रख रखा है, मैंने मार इन्हें, मैं नहीं मार रहा भाई, मुझे मारना ही नहीं है, मारना गोलम क्या कर रहा है भाई, ये सारे मेरे पीछे भाग रहे हैं, मारना, हेल्प करनी पड़ेगी लग रहा है, बहुत करा ली हेल्प। लेकिन देख रहे हो इनको कोई असर नहीं है भाई, इतना सारा मैंने ब्रेड खिला दिया इन्हें लेकिन पॉपुलेशन ये फिर भी नहीं बढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी इनके साथ, छोड़ो चलो कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो। तो उसके बाद मैंने अपनी चेस्ट प्लेट पे मेंडिंग की बुक लगा ली और काफी सारी आई ऑफ एंडर बना के सीधा निकल गया स्ट्रांग होल्ड की तरफ। और फाइनली मुझे यहाँ पे स्ट्रांग होल्ड तो मिल चुका था, बस यहाँ से मुझे सीधा नीचे जाना है, बस मिल जाए स्ट्रांग होल्ड, बस नहीं भाई ऐसी एंट्री, हाँ बच गया ना, ऐसी एंट्री मत करवाया करो मेरे से, पुरानी यादें ताजा हो जाती है यार, वो चीजें मत कराया करो। तो उसके बाद मैं एंड पोर्टल को एक्टिवेट करके सीधा निकल गया एंड वर्ल्ड के लिए। तुम वीडियो के मजे लो, मैं थोड़ा सा धूम धड़ाका करके आता हूं। और फाइनली इस धूम धड़ाके में मैं जीत तो गया। और उसके बाद मैंने इसका अंडा भी चुरा लिया। और तुम्हें तो पता ही है इलाइट्रा का शौक मुझे बचपन से ही नहीं है, पर पता नहीं क्यों आज उठने का मन कर रहा था, तो इलाइट्रा लेके आ जाते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया एंड सिटी की तरफ, और सामने एंड सिटी मिल जाए तो मजा ही आ जाए, बस फटाफट से यहाँ से इलाइट्रा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ कमी सी लग रही है। सही बोला तुमने, एनसीपी नहीं है यहाँ पर, ऐसे स्कैम मत किया करो यार हमारे साथ। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक और एंड सिटी मिल चुकी थी, और यहाँ पर तो एंड शिप भी है, तो फटाफट जाके इलाइट्रा ले आते हैं। और ये आ गई हमारे पास इलाइट्रा, अब इलाइट्रा के मजे लिए जाएंगे, लेकिन मजे से पहले एंडर ड्रैगन की खोपड़ी भी उठा ली जाए। अरे मैं ज्यादा ऊपर आ गया यार, नीचे वाले पे है ना, तो यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे वाले को हाँ यहाँ से इसको तोड़ते हैं, और यहाँ से मेरे को हाँ एंड सिटी और कुछ और नहीं, व्हाट भाई ये क्या हुआ, काम तमाम हो गया और क्या हुआ यहाँ भाई, मैं यहाँ पर इजीली एमएलजी कर सकता था, पर पता नहीं यार क्या हो गया, मेरा माउस नीचे हुआ ही नहीं, जैसे मैं नीचे करूंगा तभी एमएलजी होगी ना, ये मेरा पॉइंटर सामने चला गया भाई, कैसे यार धोखा दे दिया आज माउस ने। तो होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में एकदम टॉप पे दे रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।